Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the special cases of the continuous series. The part 5 is already available on the channel. So those who don't see that part that is related with the special cases of continuous series, kindly see that part, and after that you see that tutorial, then after that you definitely improve your knowledge day by day within the statistical techniques of the, if you are a mathematics students or a computer application students, computer science students, and even statistical students, plus 1, plus 2 students, 9, 10 students, anyone, definitely you will improve your knowledge. Kindly, who don't see the previous part, the link available into the description box, so you can check it out. In the previous part, we see the various parts under the special cases and rest of the parts of the under cases. That is a very important part. That is the open-end classes. This is again very important part. इसमें क्या होता है कि आपको क्लासेस दी गई होती हैं, लेकिन अगर आप क्लासेस को ध्यान से देखोगे तो लिखा गया है लेस देन 10 क्लास इंटरवल 10 टू 20 क्लास इंटरवल आपको दिया गया है 20 टू 30 एंड आफ्टर दैट 30 टू 40 40 टू 50 एंड आफ्टर दैट मोर देन 50 मतलब देखो स्टार्टिंग पे इंटरवल नहीं कम्प्लीट लास्ट पे इंटरवल नहीं कम्प्लीट और जब तक ये इंटरवल्स कम्प्लीट नहीं हो जाते तब तक आप अपना काम जो है वो शुरू नहीं कर सकते क्योंकि जब इंटरवल्स दिए होंगे तभी तो आप मिड वैल्यूज निकाल पाओगे क्योंकि कंटिन्यू सीरीज में आपको क्लासेस गिवन होती हैं लेकिन एक्स की वैल्यू कभी गिवन नहीं होती और आपको एक्स की वैल्यूज इसी से ही फाइंड आउट करनी होती है और लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कंटिन्यू सीरीज का एग्जाम है लेकिन ये ओपन एंड क्लासेस सीरीज का एग्जाम भी बन गया है क्योंकि इसमें ओपन एंडेड है ये भी एंड ओपन किया हुआ है ये भी एंड ओपन किया हुआ है बंद नहीं किए हुए पूरी तरह से आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है एंड पॉइंट नहीं है हिंट दिए गए हैं कि लेस देन 10 है मतलब पीछे लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा मोर देन 50 मतलब 50 से आगे और ये इंटरवल्स आपको 10-10 के जो है पॉइंट कर दे दिए गए हैं 10-10 के डिफरेंस पे दिख रहा है ना 10-10 का डिफरेंस है सब में इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी तो करना क्या होता है जब भी आपको ऐसी सीरीज मिले आपने सबसे पहले मैंशन करना है दैट द गिवन सीरीज इज एन ओपन एंडेड सीरीज एंड इन दिस लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास देखो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन इसकी लोअर लिमिट क्या है जीरो से मान लो ये जीरो 10 से शुरू होती ये इसकी लोअर लिमिट है और ये 10 इसकी अपर लिमिट थी ये 50 तक है लेकिन मोर देन बोला है उसने आगे की तरफ जाओ मतलब आगे की तरफ है इंटरवल लेकिन हमें ढूंढना पड़ेगा आपको गिवन नहीं है मेंशन करो द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट क्लासेस रिवील्स दैट द क्लास इंटरवल इन वेरियस क्लासेस इज 10 ये हमने अभी देखा कि सब में डिफरेंस कितना चल रहा है 10 का इसने खुद ही हिंट दे दिया रिवील कर दिया आपको सो द क्लास इंटरवल इन द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लास ऑल्सो बी 10 तो आप डिफरेंट नहीं रखो आप सब क्लासेस का इंटरवल 10-10-10-10 ही रख सकते हो मतलब यहाँ पे बोला गया लेस देन 10 यहाँ पे बोला गया मोर देन 10 मतलब 10 के डिफरेंस से हम चले गए सो निकालना कैसे होता है आपको डायरेक्टली नहीं लिखना आपको फॉर्मूला की हेल्प से मेंशन करना पड़ेगा ये पार्ट आपको मेंशन क्या करना है लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास लेस देन 10 इक्वल्स टू गिवन अपर लिमिट दी हुई है हमें 10 माइनस क्लास इंटरवल क्योंकि लोअर लिमिट है नहीं लोअर लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है अभी अपर लिमिट गिवन है 10 माइनस क्लास इंटरवल भी कितना चल रहा है सब में 10-10 का तो क्लास इंटरवल भी आ गया 10-10 माइनस 10 0 सो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या आ गई 0-0 to 10 अब हमारे पास ये नहीं है मोर देन 50 लिखा हुआ है लेकिन है नहीं अब हमें निकालनी क्या है अपर लिमिट यहाँ पे निकालनी थी लोअर लिमिट मतलब पिछला था लोअर लिमिट अपर लिमिट जब आपको निकालनी है तो फॉर्मूला में आगे की तरफ जाना है तो प्लस करना है मतलब ये देखो आगे की तरफ हमने जाना है तो प्लस पीछे की तरफ आना है तो माइनस हमेशा ये याद रखना पीछे की तरफ आओ माइनस आगे की तरफ जाओ प्लस ये याद रखो हमेशा
अब हमें आगे की तरफ जाना है तो गिवन लॉ लिमिट जो हमें दी हुई थी उसने बोला था मोर देन 50, मतलब 50 दी गई है लेकिन उसके आगे का नहीं बताया गया। प्लस कल क्लास इंटरवल हमने हमने क्या देखा अभी था 10, तो 50 प्लस 10 हो गए 60, मीन्स हमें लास्ट इंटरवल भी मिल गया 50 to 60। अब आप इसको 0 to 10 और 50 to 60 लिख सकते हो, फ्रिक्वेंसी एज इट इज ही रहेगी। आप इधर भी देख लीजिए, इसकी फ्रिक्वेंसी 236964 एंड देन दिस इज 236964। अब आपके पास ये आ गया है तो ये कंटिन्यूस सीरीज का सम बन गया है कंप्लीट। एंड पॉइंट हमें मिल गया है, स्टार्टिंग भी और एंड भी दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। आप इसको इस फॉर्मूला के साथ भी निकाल सकते हो और सिंपलेस्ट फार्मूला के साथ भी निकाल सकते हो। ये क्लासेस जब हमें मिल जाती हैं तो हमने क्या करना होता है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, मिड वैल्यूज निकालनी है इन क्लासेस से, एफ एक्स निकालो एंड टोटल कीजिए इसका और एफ का, और इसको पुट कर दीजिए और सिंपल आंसर आपके पास 33.67 आ जाएगा। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, इससे निकाल लो या उससे निकाल लो। हाँ, लेकिन डिपेंड ऑन द स्कोर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा गया है तो डेफिनेटली आप इस वाले फॉर्मूला के साथ फाइंड आउट कीजिए, और अगर 5 मार्क्स में ही उसने पूछ लिया है तो फिर आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये था हमारा ओपन एंड क्लासेस सीरीज का कॉन्सेप्ट, जो कि स्पेशल क्लासेस के अंडर पार्ट 5th का नेक्स्ट पार्ट था। और अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट देखना है वो है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज का जो पार्ट है आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डेफिनेटली करवाया जाएगा। टिल देन आप ये पार्ट को अच्छे तरह से कर लीजिए ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाए, फिर हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। और पीछे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, थैंक।